पहली पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात कर बात जैसे तोता मैना, कहूँ और जैसे मोर नाचे तेरे लिए ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइफ विद डोगरा में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं कुल्लू अपने घर वापस आ चुका हूँ। अब उसके करीब एक कर हफ्ते बाद मेरे कुछ दिल्ली के दोस्त यहाँ कुल्लू मनाली घूमने आ रहे थे। अब मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ तो मुझे उनके लिए फूड अकोमोडेशन स्टे सब कुछ अरेंज करना था, जो मैंने कर दिया। अब उन्हीं 3-4 दिनों की कुछ मौज मस्तियाँ, कुछ मेमोरीज हैं इस व्लॉग में, तो बिना ज़्यादा बात करते हुए सीधा व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कसोल में। कसोल में एक जगह है छलाल, वहाँ पर, और यहाँ एक कैंप है ओम हिमालयन कैंप, जो कि मैंने बुक करवाया था अपने दोस्तों के लिए, और वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले, लेकिन उनके साथ एक थोड़ा धोखा हो गया क्योंकि उनकी जो बस थी वो कसोल तक की थी, लेकिन बस वाले ने उनको भुंतर उतार दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, क्या दिक्कत है उस बस वाले को, तो ये पता करने के लिए मुझे उन्हें पिक करने जाना पड़ेगा। तो चलते हैं कसोल से। अगर आपको छलाल विलेज के लिए जाना है तो यहाँ पर ब्रिज बन गया है और आप टू व्हीलर लेके जा सकते हो। फोर व्हीलर तो मुझे नहीं लगता जा पाएगी, लेकिन टू व्हीलर मज़े से जा सकती है। थोड़ा बहुत रास्ता इससे आगे उबड़ खाबड़ था, लेकिन फिर भी जाने लायक तो है। इतनी भीड़ है टूरिस्ट के, बेचारे वो लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं कहीं पे, और उनको अब लेने जाना पड़ेगा। बहुत गंदा ट्रैफिक लग रहा है मेरे हिसाब से तो। अरे बाप रे, अभी जो ट्रैफिक है ना, असली रीज़न है वो पता लगा है क्या है, कि ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर किसी ने पार्क कर दी है। और देखो, टूरिस्ट आता है, ये सब हरकतें करता है, और इसकी वजह से यहाँ पर सब लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब ये कोई जगह नहीं है पार्क करने की, अब पूरा चक्का जाम कर दिया है यहाँ पर। अब ये बंदा कहाँ, कौन से होटल में होगा, क्या पता, किसको पता। और मुझे अपने बच्चे दिख तो रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वहाँ से हाथ फेर रहा है कोई। हाँ जी, वेलकम टू कसोल। ये ऐसा होता है जब तुम जैसे टूरिस्ट आते ना यहाँ पे, ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। कौन, तबीयत खराब होगी इसकी, पहाड़ों में आके कैसा लग रहा है आपको? है क्यों, क्या हो गया, बैक हो गई? अरे माँ चुदी परी यार। बारह घंटे के लंबे सफर के बाद हमारे सारे दोस्त काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे। सब लोग चाहते थे कि वो कैंप्स में बैठ के आराम से रेस्ट करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जो बस में उल्टियां मार मार कर थक चुके थे और उन्हें अब सिर्फ बिस्तर नजर आ रहा था। क्या मैंने सुना, मीट एंड ग्रीट हो रहा है ससुर जी से? हाँ यार। क्या बोले ससुर जी? पहाड़ों में या मंदिर मंदिर भी है? क्या बात है, कह रहे कि मैंने आज तक किसी को नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, तू ही करेगी, ये तो बात होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मेल ही हुआ ना। समझ सकता हूँ, होती है, मुझ में भी है। रात होने पर जो हमारे कैंप्स की लोकेशन थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। डिनर करने के बाद सब लोगों ने कहा कि चलो वॉक पे चलते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद मैंने सबको कह दिया कि भाई सो जाओ, वरना कल सुबह तुम नहीं उठ पाओगे, क्योंकि कल हमें खीरगंगा जाना है, जो कि 5-6 घंटे का ट्रैक है। The next day. Everybody, this is बादल। ओए, ये बादल है, he's our trek guide, my friend. ये साथी के रोहित है, नवीन है, मतलब नाम याद हो जाएंगे तुझे, अभी नहीं भूल ना पाऊंगा मैं। क्या बने खाने में? अब ट्रैक के लिए हम लोग टाइमली तो निकल चुके थे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इस ट्रैफिक को क्रॉस करना, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिस्ट आया था, इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। अब कसोल मणिकर्ण में क्या है कि हर साल बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, इसलिए हम इस लोकेशन पे कम से कम 1.5 घंटा फंसे रहे। जाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगता है कि कल सुबह ही खुलेगा, बहुत बुरे हाल है। कम से कम 1 या 1.5 घंटा हो चुका इसी ट्रैफिक में, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कि ट्रैफिक अभी खुलेगा।
भर भर के टूरिस्ट है, भर भर के टूरिस्ट है यहाँ पर। हेलीकॉप्टर वाली चिट लगानी पड़नी, चिटी है कि उड़ने जाएंगे। A few moments later. थैंकफुली थोड़ी देर बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ, मैं और बादल अपनी मोटर गाड़ी पकड़ कर निकल गए बरशेनी की तरफ। बाकी हमने अपने दोस्तों को बिठा दिया टैक्सी में और वहां पर वो बात करने लगे कि हमारा ये पहला ट्रैक का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है भैया। ट्रैक की स्टार्टिंग लोकेशन पर हम पहुंच तो गए थे और हमारे दोस्त काफी खुश थे, हर्षोल्लास का माहौल चल रहा था। लेकिन मैं घबराया हुआ था क्योंकि टाइम हो गया था 3:30 और मुझे पता था ऊपर खीरगंगा पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज जाएंगे और इतने अंधेरे में ट्रैक करना खतरे से खाली नहीं है। अब आगे इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया, कैसा हमारा ट्रैक था, ये सब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय, सायोनारा। अब तो आ रे आस पास आ रही बारात, करना अंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रे